जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कामका एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प
पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मणों से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं।